मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ परिवार में नए 8 सदस्य जुड़े हैं। सतपुड़ा में 8 नए शावकों के होने की पुष्टि के साथ वहां बाघों की संख्या अब 48 हो गई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 8 शावक लोकेट हुए हैं, जो कि पार्क प्रबंधन और वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छी खबर है। एसटीआर में बाघ परिवार में 8 सदस्य जुड़ने के साथ अब उनका कुनबा बढ़कर 48 पर पहुंच गया है। एसटीआर डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार शुक्ला के मुताबिक पिछले 6 माह में 8 शावक कर्मचारियों को दिखाई दिए हैं। कैमरा ट्रैप में भी शावक आ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पार्क बंद रहेगा, लिहाजा पार्क के वन्य प्राणियों और जंगल की सुरक्षा के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है। पार्क में आवाजाही बंद होने से बाघों ने अपना नया इलाका बनाना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। पिछले 6 महीने में नए 8 शावक दिखाई दिए, जो ट्रैप कैमरे में भी आए हैं, कर्मचारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा भी गया है। पिछले 4 से 5 वर्षों में यहां बाघों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। पर्यटकों को पहले की तुलना में ज़्यादा बाघ दिखाई देते हैं, उनका उत्साह और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की इनकम भी इससे जो है बढ़ोतरी होती है। साथ ही जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन द्वारा ज़्यादा बेहतर की गई है और जिसके कारण शावकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यटकों को पिछले कई सालों से टाइगर के अच्छे दर्शन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हो रहे हैं। संख्या बढ़ने से पर्यटकों को अब आसानी से टाइगर दिखाई दे रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सालाना लगभग 2 लाख पर्यटक जंगल सफारी के लिए पहुँचते हैं, जिसमें से करीब 5 से 6 हज़ार विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। इस वर्ष कोरोना के चलते देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।